हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90s के सबसे बड़े एक्शन स्टार सनी देओल के लड़के करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास के 5 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। और दोस्तों, जानने वाले हैं कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कितने करोड़ की कमाई करनी होगी और यह फिल्म अभी तक कितने करोड़ की कमाई वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पल पल दिल के पास जो कि एक लव रोमांटिक फिल्म है, इस फिल्म से दोस्तों सुपरस्टार सनी देओल के लड़के करण देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया है और दोस्तों उनका साथ दिया है शहर बम्बा ने। दोस्तों, इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की है। और जहाँ दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 6,80,00,000 रुपये सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन था वो रहा था लगभग 8,50,00,000 रुपये का। सेकेंड डे में भी दोस्तों इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी कमाई की और दोस्तों इस फिल्म के जो सेकेंड डे के कलेक्शन थे वो अपने दूसरे दिन रहे थे लगभग 6,30,00,000 रुपए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए थे लगभग 9,00,00,000 रुपए। बताएं दोस्तों आपको कि करण देओल ने इस फिल्म में काफी अच्छा काम किया है और दोस्तों उनके एक्शन सीन्स बिल्कुल उनके पापा यानी कि सनी देओल की तरह ही लग रहे थे। बताएं दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा था, वही दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छे रिव्यूज दिए थे। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन भी काफी अच्छी कमाई की और इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाए लगभग 6,50,00,000 रुपए, वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो तीसरे दिन का कलेक्शन था वो रहा था लगभग 9,50,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी थी लगभग 19,00,00,000 रुपए, वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने 3 दिनों में लगभग 26,00,00,000 से ज्यादा की कमाई कर ली थी। बात की जाए इस फिल्म के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी कि वर्किंग डे में भी काफी अच्छी कमाई की है और इस फिल्म का जो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो रहा है लगभग 1,80,00,000 रुपए का। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने चौथे दिन लगभग 3,00,00,000 की कमाई की है। बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि 5वें दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बताते चले कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आज भी काफी पसंद किया जा रहा है। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने 5वें दिन यानी कि आज भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15 से 18% की ऑक्यूपेंसी हासिल की है। वही दोस्तों इस फिल्म की जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है वो रही है 18 से 23% की। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म आज अपने 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की कमाई वर्ल्ड वाइड में करने वाली है और इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा लगभग 31 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 22 करोड़ की कमाई कर चुकी होगी। इसी के साथ दोस्तों लगभग 28 करोड़ के बजट से बनने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होने वाली है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी हिट होने वाली है। दोस्तों इसी के साथ सुपरस्टार सनी देओल के परिवार के ये एक और सुपरस्टार होंगे जो कि बॉलीवुड में एक धमाकेदार एंट्री कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको सुपरस्टार करण देओल की ये फिल्म कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।